अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल कुकिंग विद अफीफा। हमारी सारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो है प्लेन केक। प्लेन केक बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं उसमें शामिल है 2 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस, 1/2 खाने का चम्मच नमक और 4 अंडे। इस रेसिपी से हम आपके लिए बहुत सिंपल केक बनाएंगे जो कि बहुत अच्छा, बिल्कुल बेकरी की तरह स्पंज बनता है इसका। आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद। आज हम आपको ये रेसिपी ग्राइंडर में बनाना सिखाएंगे क्योंकि बाद लोगों के पास बीटर नहीं होता और वो फिर ये सोचते रहते हैं कि हम ये केक किस तरीके से बनाएं, लेकिन हम आपको ये केक आज ग्राइंडर में बनाना सिखाएंगे। ग्राइंडर हर घर में मौजूद होता है, इससे आसानी से हम ये केक बना देंगे और ये केक बहुत बिल्कुल बेकरी की स्टाइल का ही बनेगा। इसका स्पंज बहुत स्मूथ और सॉफ्ट बनता है। इसके लिए हम सबसे पहले ग्राइंडर में ऑयल डालेंगे, फिर ऑयल के साथ हम चीनी डाल देंगे और तकरीबन 4 मिनट तक इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसका सॉफ्ट और स्मूथ फ्लॉफी सा टेस्ट बने। इसको हम ग्राइंड करेंगे, तकरीबन 4 मिनट तक इसको ग्राइंड करेंगे और इसका फ्लफी मिक्सर बन जाएगा। अब हमने ये 4 मिनट तक ग्राइंड किया है, ये देखिए आप, एक फ्लफी सा स्मूथ वाइट कलर का स्ट्रक्चर इसका आ गया है। अब हम इसमें 4 अंडे ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 4 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। ये अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको मज़ीद 4 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। अंडे डाल के इसको बीट कर लिया है, आप देख सकते हैं ग्राइंड कर लिया है हमने इसको। ग्राइंड होके इसका मिक्सर स्मूथ सा हो गया। अब हम इसमें वनीला एसेंस और नमक ऐड कर देंगे। नमक और वनीला एसेंस ऐड करके 1 मिनट तक ग्राइंड कर लेंगे। हम इसके अंदर मैदे के अंदर 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम अपने मिक्सर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस मैदे को 3 पोर्शन में इस लिक्विड में मिक्स करेंगे। अगर हम एक साथ मिक्स करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, लिहाजा हम 3 दफा थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे और स्लोली स्लोली इसको मिक्स करते जाएंगे लिक्विड में। इसको हम मिक्स करेंगे स्मूथली ताकि हमारा केक का बैटर अच्छा बन जाए और हमारा केक का स्पंज भी सॉफ्ट बने। आप देख सकते हैं कि ये स्लोली स्लोली इसमें हम मिक्स करते जा रहे हैं। मिक्सर को अच्छे तरीके से बीट करेंगे, स्लो स्लो करेंगे। अब हम इसमें 3rd पार्ट भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफी सा है और इसको इतना ही स्मूथ होना चाहिए। आप देख लें इसको अच्छे तरीके से। अब इस बैटर को हम एक ऑयल लगी हुई डिश में डाल देंगे। अगर हमारे पास सांचे नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सांचे हों, हम ओवन प्रूफ डिश में भी केक को बेक कर सकते हैं। हमने इसमें ऑयलिंग कर ली है इस डिश में, अब इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे। अब हमने अपना बैटर इस डिश में डाल लिया है। इस डिश को पहले से गर्म ओवन में 170 डिग्री पर 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा मज़ेदार केक तैयार है। नाज़रीन, ये केक हमारा अब तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम निकालेंगे डिश में से।
इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं खूबसूरती के लिए, जो कि ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं ये केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए हमारा केक कितना खूबसूरत लग रहा है। खाने में भी इंतहा मजेदार हो। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें।